हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद कृष्ण पर। आज मैं फिर लेके आया हूँ आपके लिए 25 और वेरी इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि फ्रिक्वेंटली अलग अलग एंट्रेंस एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो। इससे पहले भी मैंने दो वीडियोज सेम टॉपिक पर बनाई है, उन्हें भी आप लोग ज़रूर देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस उसमें दिए हुए हैं। अगर आप उन वीडियोस को भी अच्छे से कर लेते हो तो आपको 100% फ़ायदा ज़रूर मिलने वाला है। तो चलिए फिर अपना आज का लेसन भी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का पहला इडियम है एन आर्म चेयर जॉब। एन आर्म चेयर जॉब का मतलब होता है ऐसी नौकरी जो आसान हो और जिसमें आय भी अच्छी हो, मीन्स गुड इनकम जॉब विद हाई कम्फर्ट। हर कोई चाहता है कि उन्हें इस तरीके की नौकरी मिल जाए। तो आप एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हो, आई विश आई कुड गेट एन आर्म चेयर जॉब। सेकेंड इज एन ओलिव ब्रांच, इसका मतलब होता है पीस रिक्वेस्ट, इन हिंदी शांति निवेदन। किसी दो कंट्री के बीच या किसी दो ग्रुप के बीच जब लड़ाई की स्थिति होती है तब क्या होता है, पीस रिक्वेस्ट लाई जाती है, शांति का प्रस्ताव लाया जाता है, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, एन ओलिव ब्रांच। चलिए अगला देखते हैं। थर्ड इज एट द 11th आवर, मतलब एन मौके पर, अंतिम समय पर कोई काम करना, डू समथिंग एट द लास्ट मोमेंट। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से आई रीच्ड देयर एट द 11th आवर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। फोर्थ idiom इज बैग एंड बैगेज, मतलब बोरिया बिस्तर समेत विद ऑल बिलोंगिंग्स। कई बार बोलते हैं ना कि उसने बोरिया बिस्तर समेत अपना घर छोड़ दिया। सो इन इंग्लिश यू कैन से ही लेफ्ट हिज हाउस बैग एंड बैगेज। चलिए अब अगला idiom देखते हैं। फिफ्थ इज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, मतलब धनी परिवार में पैदा होना, टू बी बोर्न इन अ रिच फैमिली। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से सोनू इज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। ईजी है ना। तो चलो फिर अगला देखते हैं। नेक्स्ट इज बीट ब्लैक एंड ब्लू। बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है किसी को बुरी तरह पीटना, मार मार कर लाल पीला कर देना या मार मार कर नील डाल देना। बीट समबडी मर्सीलेसली, मर्सीलेसली का मतलब होता है बेरहमी से। सो इन एग्जाम्पल यू कैन से ही वॉज बीटन मर्सीलेसली और ही वॉज बीटन ब्लैक एंड ब्लू बाय हिज फादर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। सेवेंथ इज बेल द कैट, मतलब जोखिम उठाना किसी काम के लिए, टू टेक रिस्क टू डू समथिंग। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से नोबडी इज रेडी टू बेल द कैट, कोई भी जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं है। एट्थ इज ब्लैक शिप, ऐसा व्यक्ति जो परिवार के लिए, टीम के लिए शर्मिंदगी का कारण बने, अ पर्सन हु इज रिगार्डेड एज डिसग्रेस फॉर हिज फैमिली और टीम। सो फॉर एग्जाम्पल यू कैन से नोबडी वॉन्ट्स टू कीप हिम इन द टीम एज ही इज अ ब्लैक शिप। चलिए अगला देखते हैं। नाइन्थ इज बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है रुक रुक कर करना कुछ या इरेगुलरली करना। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से माई फ्रेंड्स पोस्ट वीडियो ऑन यूट्यूब बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स दे के मैं आपको समझाऊँ जिससे कि आपके दिमाग में ये बैठ जाएँ, एंड आई होप आपको समझ आ रहे होंगे ये। तो चलिए अब अपने अगले idiom की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट idiom इज बाय हुक और बाय क्रुक, मतलब गलत या सही किसी भी ढंग से, बाय एनी मीन्स, राइट और रॉन्ग। कई बार बोलते हैं ना कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े, इस चीज़ को मैं करके रहूँगा। मान लो कोई पर्सन 3 साल से बार बार किसी एग्जाम में फेल हो रहा है और इस बार उसने ठान ली कि चाहे मुझे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, लेकिन मैं इस एग्जाम को क्लियर करके रहूँगा। तो आप इसे कैसे बोलेंगे, आई हैव टू पास दिस एग्जाम बाय हुक और बाय क्रूक। नेक्स्ट इज चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड का मतलब बहुत ही सिंपल है, कायर या डरपोक। इन इंग्लिश यू कैन से लैकिंग करेज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट idiom, दैट इज शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, मतलब झूठे आंसू बहाना मगरमच्छ के आंसू बहाना। ये मुहावरा आपने बचपन में भी सुना होगा कि मेरे सामने मगरमच्छ के आंसू मत बहा के दिखाओ, मतलब झूठे आंसू मत बहा के दिखाओ। इसे सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे देखते हैं। डोंट शेड क्रोकोडाइल टीयर्स इन फ्रंट ऑफ मी, आई नो द ट्रूथ। मेरे सामने मगरमच्छ के आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, मुझे सच्चाई पता है। चलिए अब देखते हैं अगला। 13th idiom इज एंड इन स्मोक, मतलब कोई परिणाम ना निकलना, कोई रिजल्ट ना निकलना, कम टू नथिंग। मान लो एक नेता था जिसने इलेक्शन जीतने के लिए खूब कैंपेनिंग करी, लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ, वो हार गया।
तो एग्जाम्पल के तौर पर हम बोल सकते हैं द होल कैंपेनिंग एंडेड इन स्मोक बिकॉज द लीडर लॉस्ट इन द इलेक्शन। नेक्स्ट आइडियम इज टेक 40 विंग्स, मतलब झपकी लेना और टू टेक नैप। आपको पता है बॉर्डर पर हमारे सैनिक जो हैं उनको कई बार तो ऐसा होता है कि झपकी लेने का भी समय नहीं मिलता। सो फॉर एग्जाम्पल यू कैन से समटाइम्स अवर सोल्जर्स डोंट गेट इनफ टाइम टू टेक 40 विंग्स। 15th इज गाला डे, आनंद या उत्सव का दिन, डे ऑफ सेलिब्रेशन। मान लो किसी पर्सन की लॉटरी लग गई या जैकपॉट लग गया तो उसके लिए तो वो सेलिब्रेशन का डे होगा। ओके, इट विल बी अ गाला डे फॉर हिम। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एडियम। हमारा 16th एडियम है ग्रीस द पाम, मतलब रिश्वत देना किसी को और टू ब्राइब। आपने ट्रेनों में कई बार देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, टिकट कलेक्टर जो होते हैं उनको कई बार रिश्वत देते हैं रिजर्व्ड कोच में सीट लेने के लिए। तो एग्जांपल के तौर पर आप कह सकते हो ही ग्रीस्ड द पाम ऑफ टीसी टू गेट सीट्स इन द रिजर्व कोच। 17th idiom इज हरकुलियन टास्क, मतलब कठिन कार्य, अ डिफिकल्ट टास्क टू डू। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको एक idiom दिया था, अ हार्ड नट टू क्रैक। दोनों का मीनिंग सेम ही है, डिफिकल्ट टास्क। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स आर रेडी टू डू दिस हरकुलियन टास्क। इस कठिन कार्य को करने के लिए सिर्फ कुछ ही विद्यार्थी तैयार हैं। देखते हैं अपना अगला idiom, 18th इज ऑप्शंस चॉइस। इसका मतलब होता है किसी के पास कोई विकल्प ना होना, कोई अल्टरनेटिव ना बचना, कोई ऑप्शन ना बचना। देखते हैं अपना अगला idiom, 19th इज ह्यू एंड क्राई, मतलब हो हल्ला या शोर शराबा मचा देना, इन इंग्लिश लाउड पब्लिक आउटक्राई। For example, you can say, as soon as the thief snatched her purse, she created hue and cry in the market. Let's move to the next idiom. हमारा 20th idiom है in a nutshell, मतलब संक्षेप में, in brief. क्लास में कई बार टीचर सब एक्सप्लेन करने के बाद बोलते हैं ना कि इन अ नटशेल दिस इज दैट इज एटसेट्रा, तो उसे वो ब्रीफ करने के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट एडियम इज इन फुल स्विंग, मतलब पूरे जोरों पर होना, एट द हाइट ऑफ एक्टिविटी। जब कोई काम पूरी तेजी से चल रहा हो, मान लो एक एरिया में फ्लड आ गई और वहाँ पे लोगों को बचाने का काम पूरी तेजी से चल रहा है, तो आप इसको कैसे बोलोगे, द रेस्क्यू ऑपरेशन ऑफ द फ्लड अफेक्टेड पीपल इज इन फुल स्विंग। चलिए अगला देखते हैं, इन द सेम बोट, एक ही स्थिति या एक ही हालात में होना, हैविंग सेम प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से डोंट थिंक योर प्रॉब्लम इज डिफरेंट फ्रॉम माइन, वी आर इन द सेम बोट। 3rd idiom इज कीप वंस वर्ड, इट मीन्स टू फुलफिल प्रॉमिस, अपने वचन को या अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करना। फॉर एग्जाम्पल आई अश्योर यू सर दैट आई विल कीप माई वर्ड। चलिए अगला देखते हैं, 24th इज किथ एंड किन, मतलब सगे संबंधी जो ब्लड रिलेशन के अंदर आते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप बोल सकते हो आई इन्वाइटेड ओनली माई किथ एंड किन इन द बर्थडे पार्टी, मैंने बर्थडे पार्टी में सिर्फ अपने सगे संबंधियों को ही इन्वाइट किया था। तो हमारा आज का लास्ट एडियम है मैन ऑफ लेटर्स, और लर्नेड पर्सन, एक विद्वान व्यक्ति जो लिटरेरी आर्ट में प्रोफिशियंट हो या कुशल हो। फॉर एग्जाम्पल विलियम शेक्सपियर वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स। आई होप आपको सभी idioms अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम 10 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट लगा के देखेंगे, और अगर आप इस लेसन की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए अब अपना प्रैक्टिस सेट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉपी वर्क्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। यहाँ आपको फिट्स एंड स्टार्ट्स का मीनिंग बताना है। ऑप्शंस देखते हैं, ए कंसिस्टेंटली, ऑप्शन बी इरेगुलरली, ऑप्शन सी इन हाई स्पिरिट्स, ऑप्शन डी एंथुजियास्टिकली। सो विच वन इज करेक्ट। मैंने बताया था आपको फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है रुक रुक कर करना कुछ, इरेगुलरली करना। सो द ऑप्शन बी इरेगुलरली विल बी करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। Second is all his schemes to murder the king ended in smoke. Here we have to tell the meaning of ended in smoke. So options देखते हैं इसके। First is fructified gradually. Option B came to nothing. Option C were discarded. Option D were partially carried out. कौन सा option इसका सही होगा? मैंने आपको नेता वाला campaigning वाला example भी दिया था कि election में जब वो हार गया, so all his efforts came to nothing, all his campaigning came to nothing. So the option B came to nothing will be correct.
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन इज सम पीपल डू नॉट ग्रेज एनीबडीज पाम ऑन एनी अकाउंट. यहाँ पे आपको मीनिंग बताना है ग्रेज एनीबडीज पाम का, क्या मतलब होगा इसका. ऑप्शंस देखते हैं, ब्राइब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी फ्लैटर, ऑप्शन सी चीट, ऑप्शन डी फाइट. तो हमने देखा था ग्रीज एनीबडीज पाम का मतलब होता है किसी को रिश्वत देना, सो द ऑप्शन ए ब्राइब विल बी करेक्ट. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ. फोर्थ इज एट द 11th आवर. तो इसमें बताना है इसका मीनिंग क्या है. ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन ए टू लेट, ऑप्शन बी टू अर्ली, ऑप्शन सी इमीडिएटली, ऑप्शन डी एट द लास्ट मोमेंट. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट. मैंने बताया था आपको एट द 11th आवर का मतलब होता है एन मौके पर या बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर कोई काम करना. सो द ऑप्शन डी एट द लास्ट मोमेंट विल बी करेक्ट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. फिफ्थ इज टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स. बहुत ही आसान है ये, इसका मीनिंग भी हमने करा था अभी. तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, टू वीप प्रोफ्यूजली बहुत बुरी तरह रोना, ऑप्शन बी टू प्रिटेंड ग्रीफ दुखी होने का दिखावा करना, ऑप्शन सी टू ग्रीव सीरियसली बहुत ज़्यादा दुखी होना, ऑप्शन डी टू मॉक समथिंग किसी चीज़ का मजाक बनाना. तो हमने देखा था शेड क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है मगरमच्छ के आंसू बहाना, नकली आंसू दिखाना, किसी को दिखाना कि वो दुखी है लेकिन सच में दुखी वो नहीं है. सो द ऑप्शन बी टू प्रिटेंड ग्रीफ विल बी करेक्ट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सिक्स्थ इज शी डिसाइडेड दैट शी वुड गेट दिस जॉब बाय हुक और बाय क्रूक. हमने करा था बाय हुक और बाय क्रूक का मतलब क्या होता है. चलिए ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन ए बाय कॉम्प्रोमाइजिंग और अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑप्शन बी बाय इम्प्रेसिंग द इंटरव्यूअर्स को इम्प्रेस करके, ऑप्शन सी बाय एनी मीन्स राइट और रॉन्ग, ऑप्शन डी बाय बिकमिंग अ स्पेशलिस्ट इन द फील्ड. तो हमने देखा था बाय हुक और बाय क्रूक का मतलब था किसी भी तरीके से चाहे वो सही हो या गलत हो उस काम को करके रहना है. तो आपका ऑप्शन सी बाय एनी मीन्स राइट और रॉन्ग विल बी करेक्ट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेवंथ क्वेश्चन इज टैगोर वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स. ऑप्शंस देखते हैं इसके, ऑफ वाइड कॉन्टेक्ट्स, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन एक्सलेंट लेटर डिक्टेटर, ऑप्शन सी अ ग्रेट राइटर ऑफ लेटर्स, ऑप्शन डी प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट. मैंने बताया था एक मैन ऑफ लेटर्स कौन होता है, विद्वान व्यक्ति जो लिटरेरी आर्ट में प्रोफिशिएंट हो. तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट. चलिए देखते हैं अब अपना अगला क्वेश्चन. एट इज एन ऑलिव ब्रांच. सो दोस्तों विच ऑप्शन विल बी करेक्ट. ऑप्शन ए एन ऑफर ऑफ पीस, ऑप्शन बी एनी आइडिया, ऑप्शन सी अ लेडी, ऑप्शन डी अ विकेट पर्सन. तो हमने देखा था ऑलिव ब्रांच का मतलब होता है पीस के लिए ऑफर करना, शांति के लिए प्रस्ताव देना या शांति के लिए निवेदन करना. तो आपका ऑप्शन ए एन ऑफर ऑफ पीस विल बी करेक्ट. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शंस चॉइस. तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है. ऑप्शन ए लायंस शेयर, ऑप्शन बी द बेस्ट चॉइस, ऑप्शन सी नो अल्टरनेटिव, ऑप्शन डी फर्स्ट चॉइस. हमने देखा था ऑप्शंस चॉइस का मतलब होता है व्हेन यू आर लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन, नो अदर अल्टरनेटिव, जब आपके पास कोई विकल्प ना बचे. तो इसका ऑप्शन सी नो अल्टरनेटिव विल बी करेक्ट. तो देखते हैं अपना आज का आखिरी क्वेश्चन. 10th इज गाला डे. ऑप्शन ए अ मॉर्नफुल डे, ऑप्शन बी डे ऑफ सेलिब्रेशन, ऑप्शन सी लास्ट डे ऑफ एन इवेंट, ऑप्शन डी वेडिंग डे. सो द विच ऑप्शन विल बी करेक्ट. हमने करा था गाला डे का मतलब क्या होता है, ऐसा डे जो सेलिब्रेशन का डे हो. मैंने आपको लॉटरी वाला एग्जांपल भी दिया था कि मान लो किसी पर्सन की अगर लॉटरी लग गई तो उसके लिए वो क्या होगा, सेलिब्रेशन का डे होगा, मींस इट विल बी अ गाला डे फॉर हिम. तो दोस्तों बस आज के लेसन में इतना ही. अगर आपको इन idioms को और अच्छे से याद करना है तो वीडियो को कम से कम 2-3 बार ज़रूर देखें और इसकी PDF को भी साथ में आप अच्छे से प्रैक्टिस करें. एंड वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि idioms एंड phrases के मैंने 2 पार्ट और बना रखे हैं, Part 1, Part 2. उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो वहाँ से जाके आप उनको भी देख सकते हो, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें. और मेरी अपकमिंग वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन.
मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ।